टीम पाकिस्तान ने ठुकराया। इस मुल्क ने सीधा फकर को कप्तान बनाने का ऑफर दे डाला। अब इस टीम से खेलते हुए हमें दिखेंगे फकर जमा। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के ठुकराने के बाद कौन सी टीम के कप्तान बनेंगे फकर जमा और कौन सी टीम ने दे डाला है फकर जमा को अपनी टीम में शामिल होने का खुला ऑफर। बताएंगे आपको फकर जमा से जुड़ी कुछ खास जानकारियां इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आपके मुताबिक फकर जमा को आप बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने 2024-25 सत्र के लिए खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाबर आजम और व्हाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान को कैटेगरी ए में बरकरार रखा गया है, मगर ओपनर फकर जमा को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जमा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी टीम में नहीं चुना गया। अब पूरे वाकये से फकर जमा काफी निराश हैं। लेकिन इसी बीच फकर जमा को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और खबरों के मुताबिक फकर जमा अब पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी और टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उस टीम के कप्तान भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल नीदरलैंड टीम की मैनेजमेंट ने फकर जमा को अपनी टीम में शामिल होने और टीम के कप्तान बनने के लिए खुला ऑफर दे दिया है। यानी कि नीदरलैंड की टीम ने खुला ऑफर दे दिया है कि फकर जमा चाहें तो वो हमारी टीम से खेल सकते हैं और हमारे बोर्ड उन्हें टीम का कप्तान भी बना देगी। ऐसे में दोस्तों, आपके मुताबिक क्या फकर जमा को नीदरलैंड की टीम में शामिल हो जाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।